हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि आप लोगों के जीपैट के एग्जामिनेशंस काफी करीब हैं, तो हम लोग आज इस वीडियो से एक नेम रिएक्शन की अगेन एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम लोग उसी में ही एक नेम रिएक्शन को कवर करने वाले हैं। बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो वहां से काफी अच्छे नेम रिएक्शन आपके देखने को मिलते हैं। तो उसी में ही हम लोग चलिए कार्बोनिल कंपाउंड के ही कुछ रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडेंसेशन के बारे में। क्या होता है कंडेंसेशन, कौन कौन से रिएक्शंस हैं, क्या यहाँ पे देखा जाता है, उसके बारे में चलो हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल वीडियो देखने वाले हैं। मे भी थोड़ी सी वीडियो आपकी लंबी भी जा सकती है। तो देखो, हम लोग बात करने वाले हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में। तो कंडेंसेशन में होता क्या है, तो बेसिकली कंडेंसेशन में आपको देखा जाता है कि दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करके एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे यहां पे आपको कुछ बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी होंगी कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान। इससे पहले आप चलो कंडेंसेशन पे कुछ बातें हैं, जैसे आपके अल्फा हाइड्रोजन क्या है, है ना, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, और आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम देखते हैं क्या कि आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहां पर होगा, तो ये होगा आपके कार्बोनिल कार्बन पे। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, कार्बोनिल कार्बन, हम ये लिख देते हैं दो तीन बातें। अब अगर आपको बेसिक थोड़ी सी बातें याद है कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होता है ड्यू टू माइनस आई नेचर ऑफ आपके कार्बोनिल ग्रुप के। तो चलो जरा देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन और कार्बोनिल कार्बन के बारे में, इनसे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। लाइक जब हम बात करते हैं ये हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड OH है, हम क्या बोलते हैं इसको, चलो एसिटल्डिहाइड है अपने पास, अभी एसिटल्डिहाइड है, है ना, एसिटल्डिहाइड की बात करते हैं। तो आपको पता है कि ये जो कार्बन है, दिस कार्बन, ये आपका क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन है आपका, यही आपका क्या है, कार्बोनिल कार्बन है। क्यों कार्बोनिल कार्बन, कैसे आपका ये नाम पड़ा, क्योंकि इसी डबल बॉन्ड, इसी कार्बन से आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप क्या है, लगा हुआ है, और इसको आप क्या बोलते हो, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हो। तो आपके कार्बोनिल कार्बन में अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई नेचर शो करता है, माइनस आई नेचर। साथ ही साथ आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, अगर ये ब्रेक करता है तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस यहां पे क्या होगा, ये एक पाई बॉन्ड पूरी तरह से ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट करेगा, और ऑक्सीजन पर निगेटिव और कार्बन पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो हम इसको ऐसे भी कई बार देखते हैं कि हमको कुछ ऐसा दिख रहा होता है, पाई बॉन्ड अगर हमारा ब्रेक करता है तो ऑक्सीजन पर निगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं। So, ये सारी conditions हमको बता रहा है कि आपका जो कार्बोनिल कार्बन है बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशियंसी इस पर कोई ऐसा पर्सन अटैक कर सकता है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा हो। तो कोई न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि आपके इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करने वाला होता है। So, आपका कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कोई एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी जिसको आप न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं वो यहाँ पे अटैक करने वाली है। ये जो कंडीशंस हैं ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप के रिएक्शंस होंगे। एडिशन क्यों होंगे, उसका रीजन भी है कि आपका ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा तो सिग्मा बॉन्ड्स आपके बनेंगे, और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, बेसिक बॉन्ड पैरामीटर का कॉन्सेप्ट होता है। सो आपका ये कंडीशंस आपको बता रहे हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इनमें आपका बेसिकली आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। और हम बात भी क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। कंडेंसेशन हमने पहले बोला चेन इलॉन्गेशन होने वाला है आपके स्टार्टिंग मटेरियल से, मीन्स सबस्ट्रेट से आपका रिएजेंट अटैक करके एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर देने वाले होंगे। तो आप यहाँ पे देखो ये जो स्पीशी है ये आपका अभी क्या हुआ, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो ये एज अ सबस्ट्रेट एक्ट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी एक रिएक्शन में सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट है प्लस रिएजेंट है, रिएजेंट, और ये किसी एक पर्टिकुलर सूटेबल
सॉल्वेंट की प्रेजेंस में या फिर आपका बेस की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। तो आपका सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट आपको क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट में डिफरेंस क्या होता है बताइए जरा। सबस्ट्रेट ऐसी स्पीशी होती है जिस पर अटैक क्या होने वाला होता है, स्पीशी दैट इज अंडर अटैक, इसके ऊपर क्या होता है, अटैक हो रहा होता है। और रिएजेंट क्या होता है, ये वो स्पीशी है जो कि अटैक कर रही होती है, इसके पास में ऐसी कंडीशंस होंगी जो इस पे अटैक कर रही होगी। लाइक अभी हमने बात की कार्बोनिल कार्बन की, तो कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, उस पर अटैक किया जा सकता है। कौन अटैक करेगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी अगर है तो वो अटैक करने वाली है। तो रिएजेंट क्या होता है, ये अटैकिंग स्पीशी होती है, ये होती है आपकी अटैकिंग स्पीशी, इस पर अटैक हो रहा होता है। सबस्ट्रेट के ऊपर क्या होता है, अटैक कर रहे होते हैं। रिएजेंट कौन है, जो कि जाकर के अटैक कर रहे हैं। तो ये आपके दोनों मिल करके क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को बनाते हैं। चलो जरा आओ और यहां पे क्या क्या बातें हैं, बेसिक बेसिक बातें भी हम कर रहे हैं ना। और अगर हम यहां पे बात करते हैं, जैसे ये मैंने एक लिया एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये हमारे पास में है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब देखो इन दोनों का थोड़ा कंडीशन देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास में एक ये रहा फॉर्मल्डिहाइड और ये रहा एक एसिटल्डिहाइड। अब अगर इस दोनों की बात करते हैं, जो फॉर्मल्डिहाइड है ये कभी भी एज अ रिएजेंट एक्ट नहीं कर सकता है, कभी भी रिएजेंट के जैसा ये एक्ट नहीं करेगा। उसके पीछे का लॉजिक समझो, ये जो स्पीशी है इसके पास में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, बस इतना ही केस यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जब इसकी हम बात करते हैं तो यहां कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव भी आ सकता है, लेकिन साथ साथ अगर हम कोई बेस लेते हैं, अगर हमने कोई बेस ले रखा है, लेट सपोज OH- है, कुछ भी बेस है आपके पास, तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, जहां भी प्रोटॉन्स देखते हैं एसिडिक प्रोटॉन्स जो होते हैं उनको वो निकाल करके ले जा रहे होते हैं। कार्बोनिल कार्बन में जो अल्फा हाइड्रोजन है, अब कॉन्सेप्ट अल्फा हाइड्रोजन का समझो, जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे, थोड़ा उसको आओ देखते हैं। ये मेरे पास में एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, जब हम एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं क्या, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, चलो CH2 और एक H हम लोग अलग से बना देते हैं, है ना, ये रहा हमारे पास में, ठीक है ना, CH3 है, बस मेरे दो हाइड्रोजन कार्बन पे एक अलग से रख दिया है। एक हाइड्रोजन यहां पे आपका क्या किया जा सकता है, इजिली H+ के फॉर्म में जा सकता है। उसके पीछे का लॉजिक क्यों ऐसा हो रहा है, जब यहां से डियर H+ निकलेगा तो हमको क्या मिलेगी स्पीशी, CH2- और इसके साथ में आपका क्या है, ये देखने को मिल रहा है, करेक्ट है क्या, CH2- H+ गया तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, और इसके जस्ट बगल में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। आपके कार्बोनिल कार्बन से जस्ट अटैच्ड जो भी कार्बन होगा उसको आप कौन सा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन्स होते हैं उनको आप अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। सो जो अल्फा हाइड्रोजन्स जो होते हैं कार्बोनिल के केस में, दीज आर एसिडिक। क्या मतलब हुआ, एसिडिक का मतलब है दैट दे कैन इजिली बी आयनाइज्ड। इनको आसानी से H+ के फॉर्म में क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, आयनाइज किया जा सकता है, H+ यहां से आसानी से निकाला जा सकता है, अगर एक सूटेबल हम बेस यहां पे रखते हैं तब। बेस का काम होता है कि प्रोटॉन जहां देखो उसको लेकर के भाग जाओ, तो ये बेस इस H+ को लेगा, न्यूट्रल होकर के निकल जाएगा, अल्टीमेट आपको क्या मिलेगा, कार्बन पर निगेटिव चार्ज, अल्फा कार्बन पर निगेटिव चार्ज, मीन्स कार्बन आयन जनरेट होगा अल्फा कार्बन पर। ये जो आपको स्पीशी मिली है ये काफी स्टेबल है, मींस अल्टीमेट रिएक्टिव है क्योंकि चार्ज आया है, लेकिन बाकी अदर सभी कार्बन आयंस के कंपैरिजन में ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ये कार्बन आयन काफी स्टेबल होता है। तो हो क्या रहा है यहां पे, अब आप देखो ये निगेटिव चार्ज यहां आएगा तो ये बॉन्ड उठ करके ऑक्सीजन पर जा सकता है, इट मीन्स कि CH2 डबल बॉन्ड CO- और H,
यहां पे क्या हो सकता है, ये स्पीशी हमको मिल सकती है। सो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है डियर, ये आपस में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से ये आपके काफी स्टेबल होते हैं। जो कार्बेनायन आपको बनता है ये काफी स्टेबल हो रहा होता है, इसलिए कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं इनके अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, आसानी से H+ आप यहां से सेपरेट कर सकते हो क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी आपको यहां पे मिल रही होती है। तो ये हुआ आपका अल्फा हाइड्रोजन, और आपने देखा कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल कार्बन है वो क्या है, काफी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये दोनों अब क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस में। तो देखो जरा क्या हुआ, अब हम क्या बात कर रहे हैं, ये जो स्पीशी है एसिटाल्डिहाइड, ये एज अ रिएजेंट प्लस एज अ सबस्ट्रेट दोनों के जैसा एक्ट कर सकती है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात को, हमने बोला ये रिएजेंट के जैसे भी एक्ट कर सकती है, सबस्ट्रेट के भी जैसे एक्ट कर सकती है। जब हमने बोला कि इसने H+ निकाला तो कार्बेनायन बना, कार्बेनायन अब ये हमेशा एक रिएजेंट है क्योंकि ये अब अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक जैसा नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल स्पीशी है। न्यूक्लियोफाइल मींस एक रिएजेंट आ गया अभी आपके पास, अटैकिंग रिएजेंट, इंटरमीडिएट है क्योंकि अटैक करेगा। तो ये क्या करा, अब ये अपना रिएजेंट वाला नेचर शो कर रहा है। अगर क्या होता, ये पर्सन किसी दूसरे एसिटाल्डिहाइड पे भी तो अटैक कर सकता है ना। एसिटाल्डिहाइड का ये मान लो हमने यहां पे रख देते हैं CH3COH, यहां पे क्या है मान लो एसिटाल्डिहाइड, ये यहां पे जो निगेटिव चार्ज स्पीशी है, ये निगेटिव चार्ज इस पर अटैक भी तो कर सकता है। आप बोलोगे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि भाई यहां पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो जो एसिटाल्डिहाइड है यहां पे, एसिटाल्डिहाइड कैसा एक्ट कर रहा है, ये स्पीशी रिएजेंट के जैसा, H+ निकलने के बाद कार्बेनायन रिएजेंट हुआ, लेकिन जब उस पर अटैक हो रहा है तब ये कैसा एक्ट कर सकती है, इस केस में ये अटैक करेगा एज अ सबस्ट्रेट, इसके ऊपर अटैक हो रहा है एसिटाल्डिहाइड में। सो अल्फा हाइड्रोजन्स हैविंग कार्बोनिल कंपाउंड्स कैन एक्ट बोथ एज अ सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट्स, व्हाइल ऑल दोज कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन्स, आपके यहां फॉर्मल्डिहाइड के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, रीजन अल्फा कार्बन ही नहीं है, ये क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप। क्या इस कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन्स हैं, एक भी नहीं, हाइड्रोजन है इधर भी इधर भी। हमने क्या बोला, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद अ कार्बोनिल कार्बन आर टर्म्ड एज अल्फा कार्बन एंड ऑल दोज हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू दैट अल्फा कार्बन आर अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां पे तो कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर सकता है एज अ सबस्ट्रेट, इसके ऊपर कोई स्पीशी आके अटैक कर सकती है, ये अगर चाहे, नेगेटिव चार्ज है, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये पर्सन जाके यहां अटैक कर सकता है, लेकिन ये कभी भी अटैक किसी के ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि यहां कभी कार्ब एनायन जनरेट ही नहीं हो सकता है। सो अल्फा हाइड्रोजन हैविंग कंपाउंड्स क्या होंगे, रिएजेंट एज वेल एज सबस्ट्रेट के जैसा एक्ट कर सकते हैं, व्हाइल डू नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर ऑलवेज एक्ट एज सबस्ट्रेट्स, करेक्ट है क्या। ये अब आपके बेस यहां से हो चुके हैं, इतनी बातें थी जो आपको बेस यहां पे जानना था, इनसे रिलेटेड बेसिक बातें। अब हम इनसे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस को देखेंगे और अलग अलग रिएक्शंस को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले देखो, अब आपने नाम सुना हो, बहुत फेमस एक रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन में, अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, देखो जब आप क्या करते हो, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग, जिनके पास क्या हो, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज कंडेंसेशन एंड गिव्स प्रोडक्ट।
कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। अभी हम उसको डैश करके चल रहे हैं, आगे चल के अभी हम जब खत्म करेंगे अपना रिएक्शन तब जानेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, अभी हमें पता ही नहीं क्या बनने वाला है ना। चलो जरा देखते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं, आ जाओ। ये हमने लिया CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ये मैंने अलग से एक H ड्रॉ कर लिया है। इसके दो मोल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स इसके हमने क्या किए हैं, लिए हुए हैं एसिटाल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल्स लिए। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, करेक्ट है ना, अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। हमने बेस लिया NaOH, ले लो NaOH ले लिया। NaOH का काम क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, ये निगेटिव OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस का काम है जिधर देखो प्रोटॉन इसको लेकर के भाग चलो। H प्लस यहां से निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन लिया यहां से और आपको मिला CH2 C डबल बॉन्ड OH निगेटिव चार्ज, ये मिल चुका है आपको, ये आपको मिल चुका है। अभी क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज हमने बोला ना टू मॉलिक्यूल्स थे इसके, इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटाल्डिहाइड का, तो ये आपका एक एक्ट किया एज अ रिएजेंट, अभी दूसरा वाला CH3 C डबल बॉन्ड OH ये अटैक करेगा, ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पर, रीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी माइनस आई एज वेल एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अटैक करेगा कार्बन पर। जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा कार्बेनायन आपका, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहां पे, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज के फॉर्म में, तो हमको क्या मिलेगा देखो जरा, पहले इसको करते हैं व्हाइट कलर का था, व्हाइट से इसको रखते हैं, हमारे पास में है C डबल बॉन्ड OH और जो CH2 है इसने अटैक किया है इस कार्बन पर जिसके पास क्या है, और इससे लगा हुआ है CH3, ठीक है ना, इससे लगा हुआ है CH3, ठीक है, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ कहां पे, ऑक्सीजन के ऊपर, अभी तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, NaOH लिया था आपने, NaOH लिया हुआ था, यहां पे नेगेटिव है Na प्लस है, दोनों आकर के यहां पे क्या कर लेंगे, एक थोड़े से समय के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा। अगेन क्या हुआ, जो आपका ये OH माइनस H को लेकर के गया था H2O के फॉर्म में, वो फिर से आएगा और H प्लस यहां से आप सीधे चाहो तो लिख दो, H प्लस क्या होगा, यहां से हाइड्रोलिसिस होगी, तो O माइनस क्या करेगा, क्योंकि अभी तो ये क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है दैट इज आयनिक बॉन्ड, यहां से H प्लस को लेकर के ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना लेगा, H प्लस को लेकर के एक्सेप्ट करके एल्कोहल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आपको अब जो स्ट्रक्चर मिला CH2 CH OH एंड CH3, ये क्या मिला आपको, फाइनल प्रोडक्ट मिला है। ओवरऑल हुआ क्या जरा यहां पे देखो, आपके एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स सेल्फ कंडेंस्ड हो गए हैं, सेल्फ लिंकिंग कर गए हैं और आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं जहां पे क्या हुआ है, आपको कार्बोनिल ग्रुप भी दिख रहा है और एक क्या हुआ है, एक कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो चुका है एल्कोहल के फॉर्म में, एल्कोहल के फॉर्म में एक ग्रुप रिड्यूस हो चुका है, करेक्ट है क्या। तो बीटा हाइड्रोक्सी, जरा और नंबर करो, ये हमारे पास में कार्बोनिल कार्बन, इससे जस्ट अटैच्ड अल्फा कार्बन, उसके बाद बीटा कार्बन, तो आप इसको कह सकते हो कि हमको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड क्या हो रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिल रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड अपने को यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये हुआ हमारे पास में ओवरऑल रिएक्शन। फर्दर कई बार ऐसा देखा गया कि यहां से OH और ये H भी यहां से निकल करके एल्कीन बन जाते हैं, सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स भी पॉसिबल है। वही सारी चीजें जरा हमको देखनी है, वो कब होगा। तो देखो यहां तक की जो ये रिएक्शन है ना, ये कह सकते हो आपकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम के टेम्परेचर में होती है। यहां जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो 20 के इक्वल या फिर उससे कम ही होता है, तब तक तो आपको ये प्रोडक्ट बन रहा होता है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर आप एक्सीड करते हो तो उस केस में क्या होगा, यहां पे
इजिली एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा अगर टेम्परेचर थोड़ा सा, अगर यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो टेम्परेचर हुआ अगर दिया तो सीधे एलिमिनेशन कराओ। एलिमिनेशन में क्या होगा आपका, यहां से OH या तो ये हाइड्रोजन या तो ये हाइड्रोजन जाएंगे। अब आपको पता है अगर यहां से हाइड्रोजन आप निकालोगे तो एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, एल्कीन इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर यहां डबल बॉन्ड आता है तो काफी स्टेबल एल्कीन बनेगी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन के रिस्पेक्ट में, तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। सो आपको क्या होगा, हमेशा यहां से निकाल करके आप क्या करोगे, एल्कीन बनाओगे। लेस टेम्परेचर पे आपका रिएक्शन यहीं तक ही जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है आपकी, इसको आप बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये हुई आपकी क्या डियर, एल्डोल कंडेंसेशन हुई। अभी आपने क्या किया था, दोनों ऐसे मॉलिक्यूल्स लिए थे जिनके पास में क्या थे, अल्फा हाइड्रोजन थे, मतलब दोनों एज अ सबस्ट्रेट और एज वेल एज आपके एक्ट कर सकते थे रिएजेंट के जैसे। ऐसा अगर हो जाए कि हम मान लो ये ले लो एच सी डबल बॉन्ड ओ एच और आपने लिया एसिटल्डिहाइड सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, या फिर कोई भी ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और ऐसा जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर ये होते हैं तब क्या जाएगा, तब आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे। देखो अब आपको पता है ये पर्सन हमेशा एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा, ये हमेशा एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा और ये आपका रिएजेंट अब होने वाला है, क्योंकि ये तो कभी रिएजेंट हो ही नहीं सकता, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन सी नहीं है, तो ये आपका एक्ट करेगा एज अ रिएजेंट, ये एक्ट करेगा एज अ सबस्ट्रेट। और अब आप रिएक्शन कराओ, बेस आएगा क्या करेगा, यहां से एच प्लस लेकर के जाएगा। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहला काम बेस आएगा और यहां से एच प्लस को लेकर के निकलेगा, है ना, OH माइनस आया H प्लस को लिया और इधर से निकल गया, क्या छोड़ करके गया, कार्बन आयन CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O H, ये मिल गया आपको। अब ये कार्बन आयन फॉर्मल्डिहाइड के स्ट्रक्चर पर क्या करेगा, अटैक करेगा, है ना। अब क्या होगा, ये कार्बन आयन अटैक करेगा आपके फॉर्मल्डिहाइड पे, तो जैसे मान लो हमने ये रखा फॉर्मल्डिहाइड को C डबल बॉन्ड O H H, इसने अटैक किया, इसने किया अटैक, तो आपको क्या मिला, ये यहां जाएगा और आपको C डबल बॉन्ड O H, इसका CH2 ने अटैक किया था कार्बन पे जहां पे O माइनस और H लग चुके हैं, कुछ ये हुआ। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा लो, Na प्लस लगा लो, हाइड्रोलिसिस कराओगे डायरेक्ट क्या बन जाएगा आपका, ये बन चुका है आपका C डबल बॉन्ड O CH2 COH H H, ये बना क्या आपका एल्डोल कंडेंसेशन। बट यहां पे एक आपका क्या था, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड, और दूसरा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे कंडेंसेशन को क्रॉस एल्डोल का नाम दे देते हो आप, इसी को आप क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोल देते हो आप, इसी का नाम है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कोई अलग डिफरेंस नहीं हुआ आपका, कोई अलग सा डिफरेंस नहीं है आपका, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपका ये हो जाता है, ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपका ये हो गया। फर्दर आप चाहो इसी में आप क्या करो, डिहाइड्रेशन करा दो, इसी को आप क्या कर सकते हो, डिहाइड्रेट कर सकते हो। चलो डिहाइड्रेशन करके देखते हैं क्या बनेगा भाई, इसी में आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, आप यहां पे अगर थोड़ा सा टेम्परेचर दे देते हो तुरंत डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन आसानी से आपका वाटर यहां से निकल सकता है, तो आपका यहां से OH जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, देखो यहां से गया OH और ये जो CH है यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, इनके बीच में इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या हो सकता है, अगर आप हीट दे देते हैं थोड़ी सी तो यहां पे डिहाइड्रेशन दैट इज माइनस हो जाएगा वाटर, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो सकता है आपका यहां से सेपरेट हो सकता है और आपको फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बन सकता है, जिसको आप बोलते हैं अल्फा
इसको आप क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये भी वही है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही है, बट ये आपको तभी होगा जब आप यहां पे हीट थोड़ी सी देते हो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर जाता है, 25-30 जाएगा, तुरंत यहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपका क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो ये होता है आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। दो रिएक्शन हमने यहाँ पे अच्छे से सीखी हुई है, फर्दर क्लासेस में हम लोग और ऐसे ही नेम रिएक्शन को देखने वाले हैं। कैसे लगे आपको ये, समझ में आए हैं अच्छे से या नहीं, जरूर बताना। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल, मिलते हैं एक नए वीडियो में।